आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन मिथ के बारे में जो शायद आज तक आप लोगों को पता नहीं थे, और अगर पता भी थे तो गलत पता थे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मिथ है रैम मैनेजमेंट को लेकर। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर एप्स को क्लियर करते रहें, जो बैकग्राउंड में एप्स चलते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे ये जो बैकग्राउंड में एप्स चल रहे हैं, ये जो एप्स चल रहे हैं, तो बहुत लोग इनको क्लियर और करते रहते हैं, मतलब इनको ऐसे करके ऐसे ऐसे हटाते रहते हैं ऐसे, और वो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका फोन फास्ट हो जाता है, मतलब फोन की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप इन एप्स को क्लियर करते रहते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, तो फोन को वापस से उन एप्स को लोड करना पड़ेगा। अगर आप वो एप्स खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप को क्लियर कर दिया, हटा दिया बैकग्राउंड से, और आप व्हाट्सएप को वापस से ऑन करते हैं, तो रैम को वापस से पूरा व्हाट्सएप का डेटा लोड करना होगा, और जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप अगर आपके बैकग्राउंड में चल रहा है तो चलने देना चाहिए, इससे आपके फोन की प्रोसेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ये स्मार्टफोन है, देखिए ये कोई नॉर्मल फोन नहीं है, ये स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन को लगता है कि आप व्हाट्सएप को बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे अपने आप मतलब खुद क्लोज कर देता है, वो बैकग्राउंड में इस तरह से नहीं चलता है जैसे आप सोचते हैं कि वो भी प्रोसेसिंग पावर लेता है, ऐसा नहीं है। ये स्मार्टफोन है, अगर आप कोई ऐप्स को नहीं चला रहे हैं तो वो बंद हो जाता है, और आप इसे क्लियर ऑल करते रहते हो, और आप जब वापस से उस ऐप को खोलते हैं तो वापस से उसका सारा डेटा लोड होता है, और इससे आपका फोन स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। तो अगली बार से आप अपने स्मार्टफोन के ये सारे जो सभी ऐप हैं, इन्हें क्लियर ऑल कभी ना करें। हमारा दूसरा मिथ है ओवरनाइट चार्जिंग को लेकर। अब बहुत लोग क्या करते हैं, फोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं, मतलब शाम को सो गए और सुबह आराम से उठ के फोन को चार्जिंग पर निकाल गए, मतलब फोन पूरी रात चार्जिंग पर लगा है। अब इसमें बहुत लोग सोचते हैं इससे स्मार्टफोन खराब होता है, और बहुत लोग सोचते हैं स्मार्टफोन खराब नहीं होता है। मैं आपका मत क्लियर करता हूं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको मान लीजिए फोन एक डेढ़ साल चला के बेच देना है, मतलब एक डेढ़ साल से ज्यादा यूज नहीं करना है, तो आप ऐसा करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एक डेढ़ साल में इसका कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम होता है, मान लीजिए आपको ये एक स्मार्टफोन है जो दो साल ढाई साल तक, मतलब एक स्मार्टफोन आपको बहुत टाइम तक चलाना है, आपको कोई आपका कोई प्लान नहीं है कि आप उस स्मार्टफोन को चेंज करें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने फोन लगा दिया चार्जिंग पर तो सुबह तक तो फुल चार्ज हो ही जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, वो मान लीजिए रात के 2 बजे फुल चार्ज हो गया, उसके बाद फोन में क्या होता है, ऑटो कट हो जाता है। जैसे ही 100% चार्ज होता है तो फोन से सप्लाई कट जाती है, ऑटो कट हो जाता है, कोई सप्लाई नहीं आती है फोन में। उसके बाद आपका फोन 99% अगर फोन में नेटवर्क आ रहे हैं, देखिए फोन की बैटरी थोड़ी, मतलब आप यूज करें या ना करें, लेकिन फोन की बैटरी जाती है, हम सभी जानते हैं जाती है फोन की बैटरी, तो आपके फोन की 1% बैटरी जाएगी, फिर वापस से चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वापस से 100% हो जाएगा, और फिर वापस से आपकी फोन बैटरी जाएगी, और फिर वापस से चार्ज होगा। तो ऐसा ही होता है, 100% आपका चार्ज होगा और फिर कम हो जाएगा, फिर चार्ज होगा, फिर कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका स्मार्टफोन थोड़ा गर्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, बार बार चार्ज होने से, बार बार कट होगा, बार बार चार्ज होगा, बार बार कट होगा, बार बार चार्ज होगा, तो इससे थोड़ा और गर्म होगा। और हम सभी जानते हैं अगर स्मार्टफोन थोड़ा ज्यादा गर्म होता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारी बैटरी पर पड़ता है, और बैटरी हीट के मामले में इनकी तो भाई ऐसे क्रॉस है, बिल्कुल नहीं बन सकती। अगर बैटरी के पास थोड़ी बहुत हीट पहुंचती है तो खराब होना शुरू हो जाती है, फूलना खराब होना, ये एक ही बात है, मतलब वो खराब होने लगती है। तो इससे आपको लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको उसका फर्क देखने को मिल सकता है। अब सीधी बात, अगर आपको एक डेढ़ साल तक फोन चलाना है तो आप इसे बिंदास यूज कीजिए, ओवरनाइट चार्ज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको फोन ज्यादा चलाना है तो आप ऐसा ना करें, आपकी बैटरी फूल सकती है, अगर आपको फोन का चेंज करना है कोई प्लान नहीं है। हमारा तीसरा मिथ है डेली फोन स्विच ऑफ को लेकर। बहुत लोग क्या करते हैं, शाम को फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं और सुबह आराम से खोलते हैं, वो ये सोचते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके फोन की पावर, उनकी बैटरी की पावर बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके मोबाइल की बैटरी में लगातार एनर्जी फ्लो नहीं होती है, जो आपके मोबाइल बैटरी पड़ी हुई है अगर उसमें लगातार एनर्जी फ्लो नहीं होती है, तो बैटरी डिग्रेड होने लगती है, इससे आपकी बैटरी
थोड़ी मतलब फूलने लगती है अगर बैटरी में लगातार एनर्जी फ्लो नहीं होती है। एनर्जी फ्लो हो रही है और फिर कट गई, फिर फ्लो हो रही है, फिर एनर्जी कट गई। अगर ऐसा होता है ना तो आपकी बैटरी जल्दी फूलने लगती है। चौथा मिथ है लोगों के बीच, मोर रैम इक्वल टू गुड परफॉर्मेंस, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों सच नहीं है मैं आपको बताता हूँ। रैम में भी लागू होता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी की रैम है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, कितनी डेटा ट्रांसफर रेट है। ज्यादा रैम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सभी एप्स में ये चीज लागू नहीं होती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आपकी रैम DDR5 की है, DDR3 की है, कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी है उसमें, उसकी डेटा ट्रांसफर रेट कितनी है, ये सभी चीजें उसमें देखी जाती है, तब उसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। आप पुरानी टेक्नोलॉजी की रैम इस्तेमाल हो रही है और वो ज्यादा भी है, बेशक 8GB है, फिर भी वो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। और अगर आपके स्मार्टफोन में DDR5 की 4GB स्मार्ट मतलब अगर आपके स्मार्टफोन में DDR5 की 4GB रैम भी है ना, तो भी वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। DDR3 की 8GB से ज्यादा आपकी DDR5 की 4GB अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो नंबर का आप खेल बनना देखिए, आप ये देखिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी की है, कितने मेगाहर्ट की है, ये सभी चीजें लागू होती है, कितने डेटा ट्रांसफर रेट है उस रैम की, ऐसा होता है। अगला मिथ लोगों के बीच वो है, अगर आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो फास्ट चार्ज होगा। और बहुत लोग ये सोचते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो जल्दी खराब हो जाएगी, जबकि ये दोनों केस नहीं है, ये दोनों केस गलत है। मैं बताता हूँ आपको क्यों है ऐसा होता है। पहला वाला केस लेते हैं, अगर आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है और आप फिर भी अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जर से मतलब चार्ज करते हैं, तो मान लीजिए 60W का चार्जर है, फास्ट चार्जर है, वो 60W पावर दे रहा है, लेकिन आपका स्मार्टफोन तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो बेशक आप उसे फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो उतने ही रफ्तार से चार्ज होगा जितनी रफ्तार से हमेशा होता है। 1% का भी इजाफा नहीं देखने को मिलेगा आपको। क्यों? आपका स्मार्टफोन उतनी ही एनर्जी लेगा जितनी वो नॉर्मल लेता है, जितनी हमेशा एनर्जी लेता है उतनी ही एनर्जी तब लेगा, चाहे बेशक आप उसे फास्ट चार्जर से क्यों ही ना चार्ज कर रहे हो। अब इसमें जो दूसरा मिथ था कि बैटरी फूल जाती है, इसमें वो वाला भी कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब वो उतनी ही एनर्जी ले रहा है जितनी वो नॉर्मल लेता है, चाहे 5W या 3W या 8W, जितनी एनर्जी लेता है उतनी ही अगर ले रहा है, तो आपकी बैटरी कैसे फूल जाएगी? इसमें तो कोई सवाल ही इसका पैदा नहीं होता है, मतलब वो नॉर्मल तरीके से चार्ज हो रहा है। हाँ, ये चीज जब बदल सकती है अगर आप अपने स्मार्टफोन में लोकल चार्जर यूज कर रहे हो। भाई, जो लोकल चार्जर होता है, ये देखिए ये मिथ से अलग है, ये मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जो आपके जो विद्युत आती है आपके घर में, जो लाइट आती है, करंट आता है, जो सप्लाई जहाँ से आती है, वो सप्लाई मतलब एकदम 200 वाट आ रहे हैं तो 200 वाट एकदम कंटिन्यूसली नहीं चलते, वो कभी 190 हो सकता है, 210 वाट हो सकता है, मतलब बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपके घर में स्टेबलाइजर होगा तो आपने ये चीज़ देखी होगी, वोल्टेज कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो जो लोकल चार्जर से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता है। वो अगर कम ज्यादा वोल्टेज होते हैं तो वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पाता और आपके स्मार्टफोन को खराब कर सकता है। और जबकि ओरिजिनल चार्जर होता है वो इस चीज को मैनेज कर लेता है, वो आपके स्मार्टफोन को उतनी ही कंटिन्यूसली वोल्टेज देगा जिसकी उसे जरूरत है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ऐसा होता है। और कभी लोकल केबल इस्तेमाल ना करें अपने स्मार्टफोन में। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ओरिजिनल चार्जर है लेकिन केबल से क्या करना है, चार्जर हमारा ओरिजिनल है, ये अगर लाइट फ्लक्चुएट हो रही है तो इसे रोक लेगा, करंट अगर फ्लक्चुएट करता है तो इसे रोक लेगा, केबल को लोकल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। दोनों चीज अगर सेम होंगे, केबल और चार्जर, ये दोनों ओरिजिनल होंगे, ये तभी चीज अच्छी तरह से काम करती है। अगर आप केबल लोकल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका स्मार्टफोन खराब हो सकता है। ये थोड़ा मिथ से अलग था, ये आपको मैंने कुछ समझाया है वीडियो में ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपका कोई अब भी डाउट है इस वीडियो में, जो आपको वो बात समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, जो भी हो, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसे नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।